माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पर रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो से शुरू कर रहा हूं। लॉकडाउन के अमलीकरण के दौरान कल लॉ एंड ऑर्डर के कुछ किस्से बने हैं जिसमें पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और इसमें जो लोग शामिल हैं इन सबको ढूंढकर अरेस्ट किया जा रहा है और लॉकडाउन के भंग के अलावा गंभीर सेक्शंस जिसमें पासा भी आता है का उपयोग किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे इनपुट से भी इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है और इसमें जो कोई भी जिम्मेदार है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आपके माध्यम से ये मैं साफ बताना चाहता हूं कि विरोध प्रदर्शन करने से या पुलिस या मेडिकल टीम के साथ असहकार करने से कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी हालात में पुलिस लॉकडाउन का सख्त अमल कराएगी। इस कार्यवाही में सहयोग नहीं मिला तो कानूनी जो कोई कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ ध्यान में रख के सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल और पुलिस टीम के ऊपर हुए हमलों को अति गंभीरता से लेते हुए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सख्त कदम जेल भेजने के साथ साथ पासा जैसे और भी अगर दूसरे कोई सख्त कायदे लगते हों उनको भी लगाया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से फिर अपील है कि लॉकडाउन में के अमल में पुलिस का सहयोग करें। जिन इलाकों में मेडिकल टीम सर्वे या टेस्टिंग के लिए गए हों और सहयोग ना मिला हो उन इलाकों में पुलिस ये कार्रवाई करवाएगी। लॉकडाउन समाज के हित में सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रख के किया गया है और इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। अभी भी जो लोग बेवजह बहाना बनाकर बाहर घूम रहे हैं उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजकोट में एक ऐसे व्यक्ति पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पुलिस ने केस किया जिसमें वो 3 दिन में 21 बार बाहर घूमता हुआ पाया गया और अलग अलग जगहों पर पुलिस को दवाई लेने का बहाना बनाने की बात की। इस वायरस के ट्रांसमिशन का जो भी हेल्थ डेटा है वो देखते हुए ये स्पष्ट हो रहा है कि एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा अनेक दूसरे लोगों को संक्रमण हो सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को लॉकडाउन भंग का माफ नहीं किया जाएगा। बैंक, ग्रॉसरी स्टोर और तमाम जगह सोशल डिस्टेंस लागू करने के लिए पुलिस को सूचित किया गया है। सब्जी मार्केट, ग्रॉसरी स्टोर और बैंक पे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहां ड्रोन की सहायता से भी सर्वेलेंस किया जाएगा। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंस लागू कराने के लिए पुलिस बंदोबस्त दिया जाएगा और आप लोगों से भी उम्मीद है कि जागृत नागरिक की तरह इस दिशा में सहकार करें। क्लस्टर क्वारंटाइन और बफर जोन बनाए गए इलाकों पे वॉच बढ़ाई जाएगी। कुछ शहरों में हाई मास्ट कैमरा के ऊपर से इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है। इन जगहों में स्वयं सेवकों द्वारा भी लॉकडाउन का अमल कराने के लिए पुलिस को मदद मिल रही है। हाई राइज पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पे ऊंची बिल्डिंग पर दूरबीन से भी नजर रखी जा रही है। आवश्यक सेवा के साथ जुड़े हुए कामगारों को अपने काम पे जाने दिया जाएगा। पुलिस को इनकी सेवाओं में कार्यरत होने के प्रमाण देने पर ऐसा किया जाएगा और ऐसी जगहों पे जहां आवश्यक सेवा हो रहा है वहां काम करने वालों के बीच में भी सोशल डिस्टेंस का अमल हो, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू।